guys, I'm Namrata. Welcome back to my channel and I hope you all are doing well. So आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी के बोल्ड फेल टिप आईलाइनर का रिव्यू। So ये जो आईलाइनर है मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी एंड आज के इस मिनी रिव्यू वीडियो में मैं कम से कम टाइम में आपके साथ इसका इन डेप्थ रिव्यू शेयर करूंगी। इसे आईज पे भी अप्लाई करके दिखाऊंगी। एज यू कैन सी, इसीलिए मैंने अपना आई मेकअप आज नहीं किया है क्योंकि मैं इसे आपको लाइव डेमो दूंगी एंड आपको इसके साथ में ये भी बताऊंगी कि कितने लंबे टाइम तक स्टे करता है। सो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देखना। ऑल्सो इससे पहले मैं एक स्विस ब्यूटी के फुल फेस ऑफ मेकअप की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने वो चेकआउट नहीं करी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल बटन को भी प्रेस कर देना ताकि ऐसी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच जाएंगी। आप लोग मुझे चाहे तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहां पे मैं बहुत ही अच्छे मेकअप लुक्स अपलोड करती हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्ट करते हैं इसकी पैकेजिंग, प्राइस और कितने कलर्स में अवेलेबल है और कहाँ से आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ द आफ्टर पैकेजिंग लुक्स लाइक। ब्लैक कलर की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है। इसके ऊपर इसका नेम, प्राइस, इंग्रेडिएंट्स, ये क्या क्लेम करता है सब कुछ मेंशन है। टोटल आपको 3 कलर्स में मिलता है, एक ब्लैक, ग्रीन एंड ब्लू। मैंने सबसे पहले इसे ब्लैक कलर में परचेज किया क्योंकि मैं इसे ट्राई करना चाहती थी। अगर आप बोलोगे तो मैं बाकी दोनों कलर्स भी परचेज करके आपको उसके स्वॉचेस दिखा सकती हूँ। सो मेक श्योर अगर आप चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। सो अगर बात करें इसके एमआरपी की तो 249 रुपीज इसका एमआरपी है। आपको ये नायका, Amazon, Gufsan लैशेस, Purple.com हर जगह मिल जाएगा। जहां से भी आपको सबसे ज्यादा अफोर्डेबल मिले वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं इसकी इनर पैकेजिंग की। दिस इज हाउ द इनर पैकेजिंग लुक्स लाइक। बहुत ही स्लीक से पेन फॉर्म में आता है एंड बहुत ही अच्छी पैकेजिंग लगी मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लीक है। तो आप इसे किसी भी छोटे से वॉलेट में भी, क्योंकि हमारे पास इतने लंबे लंबे वॉलेट्स होते हैं, तो आप किसी भी छोटे से वॉलेट में भी इसे अपने साथ कैरी कर सकते हैं। इसमें आपको जो एप्लीकेटर मिल रहा है जिसे आपको इसे अप्लाई करना है, जो इसकी टिप है वो एक बहुत ही अच्छी यूनिक फोम टिप है जिससे एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। एज यू कैन सी इस तरीके की इसकी टिप है एंड मुझे बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। कई आईलाइनर्स ऐसे होते हैं जिनकी जो टिप होती है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती है तो उससे कई बार आईलाइनर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, बट इससे एप्लीकेशन एक ही स्ट्रोक में बहुत ईजी हो जाती है। अगर आप बिगिनर्स भी हैं आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको ज्यादा मूवमेंट की जरूरत भी नहीं है एंड पेन से अप्लाई करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। सो ये लाइनर क्लेम करता है कि ये स्मच प्रूफ है, वाटर रेजिस्टेंट है, लॉन्ग लास्टिंग है एंड एकदम जेट ब्लैक कलर प्रोवाइड करता है। सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे कि ये स्मच प्रूफ है या नहीं है एंड वाटर रेजिस्टेंट है या नहीं है। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, वाटर प्रूफ में और वाटर रेजिस्टेंट में बहुत ज्यादा फर्क होता है। वाटर प्रूफ लाइक एकदम वाटर प्रूफ होता है वो, और जो वाटर रेजिस्टेंट होता है अगर उस पर थोड़ा सा पानी गिरेगा तो वो इतना जल्दी मेल्ट नहीं होगा, बट हाँ अगर आप बहुत ज्यादा उस पर वाटर डाल दोगे तो वो फिर भी थोड़ा सा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ एंड हैंड का आपको उसका स्वॉच देती हूँ कि ब्लैक कलर का है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये एकदम जेट ब्लैक कलर है एंड इतना इजीली अप्लाई हो जाता है। ये तो मैंने थिक अप्लाई किया है, अगर आप चाहते हैं तो आप इसे बहुत थिन भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत लाइट हैंड से लेना है एंड बहुत ही थिन सी लाइन भी आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो जैसे भी आपको अपना लाइनर ड्रॉ करना है इससे एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है क्योंकि जो इसकी टिप है वो एकदम बेंड होके बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन देती है। तो आप 10 सेकंड्स का वेट करते हैं क्योंकि कभी भी अगर आपको ये स्मच प्रूफ या वाटर रेजिस्टेंट का टेस्ट करना है तो 10 सेकंड्स आपको देने चाहिए जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए एंड 10 सेकंड्स के बाद में फिर से वापस आके इसका टेस्ट करती हूँ। सो इसे अप्लाई किए हुए अब टोटल 10 सेकंड्स हो चुके हैं। अब हम टेस्ट करते हैं कि स्मज होता है या नहीं होता है। तो स्मज के लिए मैंने इसे अच्छे से फिंगर से रब किया है एंड यू कैन सी मेरे फिंगर पे कोई भी कलर नहीं आया एंड ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसा मैंने इसे अप्लाई किया था। अच्छे से रब करने के बाद भी बिल्कुल भी स्मज नहीं हो रहा एंड इसका जो पे ऑफ है वो एकदम डार्क ब्लैक कलर है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, स्मच प्रूफ का टेस्ट एकदम फाइन है। आप डेफिनेटली इसे स्मच प्रूफ अगर कोई लाइनर लेना चाहते हैं आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं। तो अब हम टेस्ट करते हैं कि ये वाटर प्रूफ है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं इस पर थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी एंड यू कैन सी वाटर ऐड करने के बाद भी ये इजीली ऐसे नहीं निकलता। आप इसे अगर थोड़ा सा टैप करेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा ब्लैक कलर इसमें से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि एकदम से ही सारा का सारा लाइनर आपका रिमूव हो जाएगा। तो वाटर रेजिस्टेंट के टेस्ट में भी बिल्कुल पास होता है क्योंकि ये जो लाइनर है लॉन्ग लास्टिंग तो बहुत ज्यादा है। मैंने इसे अपने आईज पे सुबह अप्लाई किया था एंड रात तक मेरा लाइनर बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। मैं इसे अप्लाई करके सरोजिनी नगर गई थी एंड सुबह से अप्लाई किया हुआ, रात को जब मैं 8-9 बजे वापस आई थी तब भी मेरा लाइनर एग्जैक्टली वैसा ही था एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा कलर उसने प्रोवाइड किया था। तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगी। अब हम टेस्ट करते हैं आईज पे कितना इजीली अप्लाई हो जाता है एंड कैसा ब्लैक कलर प्रोवाइड करता है। सो एज यू कैन सी कितना इजीली अप्लाई हो रहा है, एकदम ब्लैक कलर प्रोवाइड करता है। सो अगर आप बिगिनर्स हैं आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। एक ही स्ट्रोक में इतना अच्छा ब्लैक कलर भी प्रोवाइड करता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। अब आप दोनों आईज में देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड कितना फ्लॉलेस फिनिश आई है इसकी। एंड इतना ज़्यादा अफोर्डेबल लाइनर आपको और किसी भी ब्रांड में नहीं मिलेगा। अभी तक मैंने बहुत सारे आईलाइनर्स ट्राई किए हैं बट इसकी जो क्वालिटी है वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं डेफिनेटली जेन्युइनली आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छा आईलाइनर है, आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। सो ये थे सारे के सारे पॉइंट्स। मैं इस आईलाइनर को 4 out of 5 ज़रूर देना चाहूँगी क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप लेना चाहते हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं। और कोई नई वीडियो देखना चाहते हैं आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं, मैं ज़रूर उसे क्रिएट करने की कोशिश करूँगी। ऑल्सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आप मेरी बाकी की वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं। सो मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।